भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां सोमवार की सुबह अनलॉक एक के तहत सरकार की तरफ से कई तरह की छूट देने की शुरुआत हुई, वहीं सोमवार की सुबह ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों में देश में कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की संख्या 2,56,000 के पार पहुंच गई। इनमें से 9,983 मरीज बीते 24 घंटे में संक्रमित पाए गए, वहीं बीते 24 घंटे में 206 मौतें हुई हैं। ये भारत में कोरोना के मामलों और मौतों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। इसके साथ ही यह लगातार चौथा दिन है जब भारत में 24 घंटे में 9,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अभी तक भारत में इस संक्रमण के चलते मरने वालों का कुल आंकड़ा 7,135 पहुंच गया है, वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,24,000 है। भारत में अगर राज्यों के हिसाब से आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। अभी तक महाराष्ट्र में 85,975 मामले सामने आ चुके हैं। इस लिहाज से अब महाराष्ट्र कोरोना संक्रमित मामलों में चीन से भी आगे निकल चुका है। बीते 24 घंटे में यहां 3,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 3,060 पहुंच गया है। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां अभी तक 31,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। यहां भी बीते 24 घंटे में 1,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि तमिलनाडु में मरने वालों का आंकड़ा अभी 269 है। तीसरे नंबर पर 27,000 से अधिक मामलों के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। चौथे नंबर पर 20,000 से अधिक मामलों के साथ गुजरात है। दिल्ली में जहां अभी तक कुल 761 लोगों की मौत हुई है, वहीं गुजरात में 1,249 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर से अगर तुलना करें तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत कोरोना संक्रमण मामलों के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर मौजूद है। सबसे ज़्यादा 19,00,000 से अधिक मामले अमरीका में हैं। इसके बाद 6,00,000 से अधिक मामले ब्राज़ील में हैं। तीसरे स्थान पर रूस है, जहां 4,00,000 से अधिक मामले हो चुके हैं। चौथे नंबर पर यूके है, जहां 2,87,000 मामले हैं। और उसके बाद भारत का नंबर है, जहां 2,56,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं। भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार की अगर बात करें तो यह दुनिया में तीसरे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में ब्राज़ील में 30,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 28,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। और इसके बाद भारत में 9,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक दिन में नए मामलों की बढ़ोतरी में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। लॉकडाउन में मिल रही छूट के साथ सड़कों पर भीड़ भाड़ दिखने लगी है। ऐसे में संक्रमण के फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है।